उत्तर प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए भले ही तमाम कोशिशें करे, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बरेली में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां लोगों को कम दामों में अच्छी दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिसमें बाजार में बिकने वाली तकरीबन 70% दवाइयां मिलेंगी। अब सवाल इस बात का है कि लोगों की सहूलियत के लिहाज से सरकार योजनाओं का शुभारंभ तो कर देती है, लेकिन भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों की वजह से सारी योजनाओं पर पलीता लग जाता है और इसी वजह से योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ ग्राहक आगे संतुष्ट हो रहे हैं और एक साथ प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं उनके पास जो पर्चे हैं उनमें डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ हैं वो सॉल्ट के नाम से नहीं है। ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर सॉल्ट के नाम से होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी देने में। अगर वो नहीं भी लाते हैं तो भी लेके आते तो हम नेट पे सर्च करके उनके सॉल्ट पता कर लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगा लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवाइयों को अपनाए, क्योंकि अच्छी है ये योजना। इससे सरकार लोगों को जो गरीब लोग हैं उन्हें अच्छी दवाइयाँ मिल सकेंगी, इससे जो लोग दवाई नहीं ले पाते थे उसको भी आराम से मिल जाएगी इस पे।